नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फूड कॉर्नर में। आज मैं आपके साथ आलू के नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाने में मैंने सिर्फ एक चम्मच तेल का यूज किया है। इसे बनाने के लिए आवश्यक सामान की सूची इस तरह से है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए स्वादिष्ट आलू बड़ा बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 400 ग्राम उबले हुए आलू लिए हैं। इन्हें मैं हथेलियों की मदद से मसल रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा पनीर ऐड कर रही हूँ। यह बिल्कुल ऑप्शनल है। बेहतरीन स्वाद के लिए एक प्याज काट कर डालें। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा धनिया पत्ती डालें। जायका बढ़ाने के लिए हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट यूज करें। इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए एक चम्मच गार्लिक पेस्ट यूज करें। अब मैं इसमें एक चम्मच नमक डाल रही हूँ। फ्लेवर को और भी अच्छा बनाने के लिए आधा चम्मच गोल मिर्च पाउडर डालिए। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके आलू बड़ा बनाने के लिए मसाला तैयार कर लीजिए। अब मैं 150 ग्राम बेसन ले रही हूँ। इसमें आधा चम्मच नमक डालें। ये मैं 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर यूज कर रही हूँ। इसमें आधा चम्मच चाट मसाला डालिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए लंप फ्री गाढ़ा बैटर तैयार कर लीजिए। ध्यान रहे बैटर को ज़्यादा पतला ना करें। अब आलू के मसाले से गोले तोड़ें और इसे गोल आकार देकर बेसन के घोल में डिप कर दें। अप्पम मेकर में आधा चम्मच तेल लगाकर चिकना कर लीजिए। अब एक एक करके बड़ों को रखें। इस तरह से मैंने सारे बड़े रख दिए हैं। इसे बनाने के लिए ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए इन्हें कवर करके 3 से 4 मिनट पका लेते हैं। फ्लेम को लो मीडियम रखना है। कुछ देर में इन्हें चेक कर लीजिए। इनको पलट कर दूसरी ओर से सेकना है। मैं और आधा चम्मच तेल यूज कर रही हूँ। कुल मिलाकर 1 चम्मच तेल का यूज हुआ है। ये देखिए बड़े दोनों ओर से सिक चुके हैं। इन्हें पकने में टोटल 7 मिनट लगे हैं। सावधानी पूर्वक निकाल कर प्लेट में रखें। आलू के बड़ों को गर्मा गर्म परोसें। ये सबको बहुत पसंद आते हैं। अगर आपके पास अप्पम मेकर नहीं है तो इन्हें आप फ्राई करें या फिर तवे पर टिक्की के जैसे भी सेक सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।